हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ोया शेख आपको अपने चैनल ज़ोया फैशन एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने चेहरे से कीर्म, हादसे और एक्ने से निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर फैशन, ब्यूटी एंड मेहंदी की लेटेस्ट वीडियोस लाती रहती हूं। तो मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको चेहरे से कील्म, हादसे, एक्ने, पिम्पल्स सब खत्म करने का बहुत ही आसान घरेलू टोटका बताऊंगी। हर दूसरा अफराद एक्नी, पिंपल्स, कील्म, हादसे और पीव वाले दानों से परेशान होता है और ये दाने जाते हुए चेहरे पर जख्म और गड़े की शक्ल में अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। इनसे निजात पाना मुश्किल नहीं है, बस सब्र से काम लें और मेरे इस नुस्खे पर अमल करें तो फिर आप इसका कमाल देखें। ये कील्म, हादसे खत्म करने के लिए जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उसमें पांच चीजें दरकार होंगी जो आप नोट कर ले। पहले है शहद। शहद आप एक चम्मच ले लें, दही एक चाय का चम्मच, नींबू का रस एक चाय का चम्मच, मुल्तानी मिट्टी दो खाने के चम्मच, अरके गुलाब एक चाय का चम्मच। अब इन सबको मिक्स करके इसका एक पेस्ट सा बना लें। पेस्ट को चेहरे पर 20 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को ताजा पानी से धो लें। फिर जब चेहरा खुश्क हो जाए तो अरके गुलाब में रुई का टुकड़ा डालकर गीला करें और इसे अपने चेहरे पर थपथपा लें। हफ्ते में 3 बार इस पेस्ट का इस्तेमाल करें। एक महीने के इस्तेमाल से आपके चेहरे से एक्ने, पिंपल्स, कील्म, हादसे सब खत्म हो जाएंगे। जिस्म में मौजूद फासद मादे पसीने के जरिए खारिज हो जाते हैं। अगर ये फासद मादे खारिज ना हो तो ये भी दानों के निकलने की बहुत बड़ी वजह बनते हैं। इसलिए वर्जिश को अपनी रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए।